एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ए आई जे है और वो ऑर्डर एन में है, तो इज डिफाइंड एज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन वेर ए आई जे इज द को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे। मतलब हमारा एक मैट्रिक्स अगर ए हमें गिवन है तो उस ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, और उन कोफैक्टर्स वाले एलिमेंट को अगर उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए से, और कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से। तो इसे हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है a11, a12, a13, a21, 22, 23 एंड a31, 32 एंड 33, ये एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो इस डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a11, a12, a13। अब ये देखिए यहां पे ये कैपिटल a11 क्या शो कर रहा है हमें, कैपिटल a11 शो कर रहा है हमें इस a11 एलिमेंट का कोफैक्टर, और ये कोफैक्टर को जब हम रो वाइज निकालते हैं तो लिखते हैं कॉलम वाइज, तो ये हो जाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, रो वाइज निकाल के इसके कोफैक्टर्स को कॉलम वाइज लिख दिया है, और ये कॉलम वाइज लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया है। तो a11, a12, a13 के कोफैक्टर्स हैं a11, a12, a13 जो कि कॉलम वाइज लिखे हैं। सिमिलरली a21, a22 एंड a23 के कोफैक्टर्स हैं a21, a22 एंड a23 अगेन जो कॉलम वाइज हैं, और a31, 32, 33 जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं a31, a32 एंड a33 जो अगेन हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स था, इसका एडजॉइंट हो गया ये। अब हम इसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेट अस कंसीडर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, ए इज इक्वल्स टू 2 1 4 एंड -3। अब इस मैट्रिक्स के हम सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर फॉर दिस एलिमेंट, मतलब हम निकाल रहे हैं a11 की वैल्यू। तो a11 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -1 to the power 1 + 1 इनटू माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर ऑफ 1 1 मतलब क्या, हम इसका माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास -3 बच रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 to the power 2 इनटू -3। सिमिलरली अगर हम a12 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी -1 to the power 1 + 2 m12। माइनर ऑफ 1 2 क्या होगा, माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट यानी 1 2 वाला जो एलिमेंट है उसके लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 4। तो यहां पे आ जाएगा -1 to the power 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। सिमिलरली अगर हम a21 की वैल्यू निकालते हैं, सिमिलरली अगर हम a21 की वैल्यू निकालते हैं, a21 की वैल्यू क्या होगी, ये 2 1 है हमारा, तो इसके लिए हम इन दोनों को छुपा देंगे, -1 to the power 2 + 1 m21, तो -1 to the power 3 into 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी अगेन हमारी -1। एंड a22 इज इक्वल्स टू -1 to the power 2 + 2 m22 इज इक्वल्स टू m22, मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2। तो इसके माइनर की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 4 इंटू 2, तो यहां पे हमारे पास में आ जाएगा ये प्लस का 2। अब अगर हम इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो सिंपल है, हम इसे डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू देखिए ये आपको रो दे रखी है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो इन फर्स्ट रो सेकेंड रो को लिखने की बजाय इस रो के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे कॉलम वाइज। तो -3 -4 को ऐसे लिखने की बजाय हम ऐसे लिखेंगे -3 -4, और ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स है तो इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -1 and 2। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब हम एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स निकालेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट की
वैल्यू से, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। बट यहां पे जो एक कंडीशन हमें याद रखने की है वो है कि ए इनवर्स तभी पॉसिबल हो पाएगा, ए इनवर्स इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज सिंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो होगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन दिस केस वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो जब भी हम इनवर्स ऑफ ए निकालेंगे तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ही हम फिर आगे बढ़ेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, और हमारा निकल जाएगा ए इनवर्स।